हेलो फ्रेंड्स, आपकी अपनी वर्चुअल लैब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है सातवें स्टैंडर्ड का। हमने 4.1 एक्टिविटी लास्ट टाइम देखी थी, आज हम लेके आए हैं 4.2 नंबर की एक्टिविटी, जहां हम देखेंगे कि आप क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर यानी कि जब बुखार आया है किसी को, हमारे घर में जब किसी को बुखार होता है तो हम उसका टेम्परेचर मेज़र करते हैं, नापते हैं। तो वो टेम्परेचर नापने के लिए एक थर्मामीटर जो आता है स्पेशल, उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसमें लिमिटेड ग्रेजुएशंस यानी कि एकम्स दिए हुए होते हैं, आपके यूनिट्स दिए हुए होते हैं, और वो ज़्यादातर सेल्सियस में दिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो है हमारा थर्मामीटर, ये हमें सीखना है कि किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमने एक अलर्ट टेक्स्ट दी है, ये टेक्स्ट देखते रहना भूलिए मत। सबसे पहले आपकी आंखें यहाँ होनी चाहिए। अभी क्या है, थर्मोमीटर इज शोइंग अबाउ 35। एक कानून, एक जो नियम है वो ये है कि आपका थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले 35 के नीचे होना चाहिए। ये 35 है और 35 के नीचे आपका ये जो है मर्क्यूरी, यानी कि आपके थर्मोमीटर के अंदर का, ये देखिए ये वाइट लाइन जो है ना, ये मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी जो है वो 35 के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ जो है लिखा है थर्मोमीटर इज शोइंग अबाव 35, तो ये 35 नहीं, 36 के भी ऊपर है, ये देखिए, तो ये गलत है। अगर इसी हालत में आप बुखार चेक करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा मालूम है, बुखार का जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है, वो इसमें ऐड हो जाएगा। इतना जो है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हमें नहीं करना है। इसलिए हमेशा आपको ये ख्याल रखना है कि थोड़ा सा ये जो है आपका थर्मामीटर, उसको जर्किंग करके, उसको जर्क देके, उसको थोड़ा झंझोड़ के, ये जो है थर्मामीटर का मर्क्यूरी, उसका जो पारा है वो उसका डाउन कर देना है। तो ये यहाँ हम कैसे करेंगे, हमें पता है आपकी समस्या और यहाँ उसका इलाज भी है। ये जो छोर है लास्ट लेफ्ट एंड, सॉरी राइट एंड एंड है, यहाँ आप क्लिक कीजिए, यहाँ नहीं, यहाँ क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ देखिए, लेकिन यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने से ये जो टेम्परेचर का आपका ये मर्क्यूरी है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। ये देखिए, एक बार देखिए, यहाँ आपका ध्यान रहना चाहिए मर्क्यूरी के ऊपर। हाँ, ये दो बार, ये देखिए नीचे आ रहा है, देखा, तीन बार, चार बार, पाँच बार, ये देखिए आ गया 35 के नीचे आ गया। और ये आपका बंदा जिसको हम बुखार चेक करने वाले हैं, जिसका बॉडी टेम्परेचर चेक करने वाले हैं, वो दोनों बंदा भी हाजिर है आपके सामने। एक बंदा है उसको एकदम वो हेल्दी है, बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं है, दूसरा बंदा है वो थोड़ा डाउन है, उसको फीवर हो गया है। तो दोनों का टेम्परेचर हम यहाँ चेक करेंगे, आप देखना क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और वो एक और रूल है, नियम है, वो भी आप समझ लीजिए कि बॉडी टेम्परेचर जब भी आप मेज़र करते हैं तो मुंह में थर्मोमीटर 30 सेकंड या तो एक मिनट तक रहना ज़रूरी है। बरोबर समझिए, एक मिनट वैसे तो रखना चाहिए, 30 सेकंड भी नहीं, एक मिनट पक्का रखना चाहिए, क्योंकि एक मिनट के बाद ही वो स्टेबल होगा और आपको सच्चा टेम्परेचर जानने को मिलेगा। तो यहाँ ये सेकंड दिखाएगा और हम पहले ये जो हट्टा कट्टा बंदा है उसका टेम्परेचर लेने जा रहे हैं। तो अभी नाउ अलर्ट क्या दिखा रहा है, नाउ थर्मोमीटर इज बिलो 35। ठीक है, कोई भी बुखार चेक करने से पहले समझ लीजिए कि थर्मोमीटर हैज़ टू बी बिलो 35, 35 के नीचे वो होना ज़रूरी है। ये देखिए 35 के नीचे आ गया। नाउ इसको उठाइए, ड्रैग कीजिए, देखा इसने मुँह खोल दिया, बगैर कहे मुँह खोल दिया, समझदार बंदा है ना, ये उसके मुंह में डाल दो और मुंह को बंद कर दो। ये देखिए 60 सेकंड, और यहाँ देखिए आपका मर्क्यूरी चढ़ रहा है, हाँ हो गया, देखा ये 62 सेकंड में, यानी कि करीब करीब एक मिनट दो सेकंड के अंदर उसका टेम्परेचर आ गया, जो क्या दिखाता है, हेल्दी बॉय हैज़ नॉर्मल टेम्परेचर। सीधी बात है, इसीलिए तो हम उसको हेल्दी कहते हैं, है ना। तो ये हेल्दी है, उसका टेम्परेचर ठीक है, करीब करीब 37 के आसपास होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर, वो भी सेल्सियस में, अच्छी तरह समझिए, वो सेल्सियस में होना चाहिए 37। नाउ इसको बाहर निकाल दीजिए,
ये फिर से हो गया जीरो, अब हम इसको पकड़ेंगे, है ना, पकड़ू इसको, उठाऊं? नहीं, देखिए आप गलती कर रहे हैं, ये जो है आपका टेम्परेचर, ये 37 दिखा रहा है, हमारा यहाँ पहला नियम जो आया था 35 के नीचे होना चाहिए, वो याद है ना, इसको फिर से झंझोड़ दो, इसको जर्क लगाओ, 35 के नीचे डालो और उसके बाद उसको पकड़ो, ये फीवर वाला बंदा पकड़ते हैं, हाँ, और उसके मुंह में ये थर्मामीटर डाल देते हैं, ये हो गया, अभी उसको फीवर है, देखिए काफ़ी फीवर है भैया, 39 करीब करीब 39 के ऊपर, ये देखिए 40 यहाँ है, तो ये 39.5 के आसपास दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो ये जो है आपका दूसरा दोस्त, उसको फीवर है और उसका टेम्परेचर ये नॉर्मल रेंज में नहीं है, उसका थोड़ा ज़्यादा है, तो ये हो गया आपका हाउ टू यूज़ केमिकल थर्मोमीटर, आप समझ गए होगे अच्छी तरह से, तो ये जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है, शायद मैं गलती से केमिकल बोल गया, तो ये सुधार लेना, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है दोस्तों, हाँ, जैसे आपकी भी गलती होती है ना, एग्जाम में मत करना कभी, ऐसे मेरी गलती हो गई, तो सॉरी, ये केमिकल नहीं बट क्लिनिकल थर्मामीटर है, और उसको अच्छी तरह से समझिए, तो ये आपका पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया, आपकी एक्टिविटी नंबर 4.2 हो गई, होप यू एंजॉयड द वीडियो, बहुत जल्दी हम दूसरा एक्सपेरिमेंट 4.3 लेके 7 स्टैंडर्ड का रहे, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, बाय।